गांव रंगारी मार्ग पर मिलन चौक परिसर में करीब 5 जगहों पर बड़े पैमाने पर कोयला चोरी जमा की गई है। खापरखेड़ा बिजलीघर और आसपास की खदानों से निकलने वाला रिजेक्ट कोयला का आवंटन प्राप्त कर कंपनियों ने इस जगह रिजेक्ट कोल जमा करते हैं। पिछले 30 सालों से यह काम चल रहा है। भुसावल नागपुर की कंपनियों ने यहां किराए से खेत लेकर कृषक जमीन पर ही कोयला चोरी जमा कर रही है। स्थानीय ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय से किसी भी प्रकार की एनओसी इन कंपनियों ने प्राप्त नहीं की। ग्राम पंचायत पोटा चनकापुर ने भी कई मर्तबा नोटिस भेजकर काम बंद करने को कहा। ग्राम पंचायत ने टैक्स की मांग भी की, लेकिन इन कंपनियों ने टैक्स भी नहीं भरे। जबकि इन कोयले की चोरी के चलते लोगों को दमा, खांसी जैसे फेफड़े की बीमारियां होना शुरू हो गई। इनमें बच्चे भी शामिल है। इस काम का विरोध करने पर स्थानीय लोगों को गाली गलौज की जाती है। ग्राम पंचायत को महीनों के पैसे देने की बात बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई तो वलनी जिला परिषद सदस्य, सिलेवाड़ा पंचायत समिति सदस्य, पोटा सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सचिव, सावनेर तहसील कार्यालय के मंडल अधिकारी, चनकापुर पटवारी और गाँव वासी कोयला चोरी के चौक पर गए। कोयला चोरी चौक के दस्तावेजों की मांग करने पर किसी ने भी कागजात पेश नहीं किए। वहां पंचनामा कर सभी को तहसीलदार के अगले आदेश आने तक काम बंद रखने को कहा। हाल ही में सावनेर के एसडीएम ने खापरखेड़ा थाने को एक पत्र दिया, जिसमें कोयला चोरी स्टॉक करने वाली कंपनियों और खेत मालिकों पर कार्रवाई करने को कहा। लाल प्रसाद, अब मेरे घर से मतलब कि 10 मीटर के अंतर में ये कोयला चोरी है। मेरे घर में छोटे बच्चे है, उनको सांस की प्रॉब्लम हो गई। हमने पूरे घर को ढक के रखे है, लेकिन फिर भी इन लोग नहीं मानते। घर में आंगन में कपड़ा सुखाना मुश्किल है। रोज को मतलब कि कोयले की डस्ट निकलती है, और मतलब कि हम लोग कपड़ा मतलब कि घर में अंदर में सुखा रहे, बच्चे को घर में बंद करके रखते हैं, लेकिन इन लोग मानने बोलने से सुनते नहीं। इन लोग का यही हाल है, मतलब कि झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं जब भी बोलो। और अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखा रहे हैं, हमारे मतलब कि कितने खर्च हो चुके हैं उसमें। अब बच्चे लोग मतलब कि आंगन में नहीं खेल सकते, घर में रहते हैं सब। नौकरे लोकांनी केलेले तक्रारीनुसार सदरू मोक्का चौकशी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। सदरू मोक्का चौकशी केली असता असे आढळून आले की या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं येणे आणि अवैधरित्या यांनी साठवणूक केल्याचे इथं आढळून आले। सदरू कोळसा हा आमच्या अखत्यारीतमध्ये येत नसल्यामुळे, परंतु यांनी येथे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं येणे न केल्यामुळे यांनी येणे करून किंवा कोणतेही परवानगी घेऊनच यांनी या ठिकाणी यांनी हे करायला पाहिजे, आणि परवानगी घेऊनच त्यांनी इथे या ठिकाणी धंदा करायला पाहिजे। तर आम्ही या ठिकाणी मोक्का चौकशी करून आम्ही सदर तहसीलदार साहेब यांना रिपोर्ट सादर करणार आहे, त्यानंतर पुढील कारवाई माननीय तहसीलदार साहेब करतील। यहाँ पे सर ये कोयला चोरी की वजह से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको स्वास्थ्य समस्या बहुत हो रही है, और लोगों के घर में डस्टों की परत बन जा रही है। और कई बार यहाँ एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन आज आपके माध्यम से और राहुल भैया बाकी लोगों के माध्यम से इसका वो सुझाव आया है और तहसीलदार साहब आए हुए हैं। सर लोगों को इससे स्वास्थ्य की समस्या और लोगों के घर में डस्ट जाता है। सर यहाँ पे तो सर मेरा तो अभी बना हुआ है, लेकिन बाकी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सर ये दिक्कत की परेशानी है। ये घर बने हुए सर इधर देख लीजिए, ये लगाने के बाद भी, मैट लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता इसका। खापरखेड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।